जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम अशरण शरण शरण प्रभुले कहीं जो को पविधाता गुरु रूठे नहीं को जगताता गुरु के वचन प्रति तन जाई शुभ मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय भगवान हो गए 33 करोड़ और भूत और भवानी और चुड़ैल और ये भी हो गई 33 करोड़। और जब ये गणना थी उस टाइम 33 करोड़ ही भारत की आबादी थी। एक आदमी का एक भगवान, एक आदमी के कपारे पड़ गया दो भगवान, एक भूत और एक भगवान, टुकड़े टुकड़े होके विखंडित हो गया। सृष्टि में एक है तो भगवान, एक ही है उनके प्राप्त करने की विधि। मन कर्म वचन से इधर लगे उसको समेट के उधर लग जाओ, एक रात का जोर लगावे छूट जाए भर मासा। कहत कबीर सुनो भाई साधु अछत अन्न उपासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। एक ही है परिणाम, दर्शन स्पर्श और सदा रहने वाला अमृतमय पद, अमृतमय जीवन। प्रभु का भजन करने के लिए नाम और रूप, नाम तो है प्रभु का, रूप हमने भगवान को देखा नहीं, कैसे ध्यान धरोगे। मूर्ति पत्थर कटों की बनाई हुई है, कलाकार के मस्तिष्क में यदि बिटिया पसंद है तो बिटिया का चेहरा आ जाएगा। इन्होंने भगवान को नहीं देखा। मानस के अनुसार माता पार्वती पिछले जन्म में सती थी, सती जीवन में, सती शरीर में भोलेनाथ की आज्ञा का थोड़ा अवहेलना हो गई थी। एक जन्म फिर लेना पड़ा, आग में जल के प्राण त्यागना पड़ा। हिमाचल नरेश किया जन्मी, नाम पड़ा पार्वती, इसलिए कि पर्वत में जन्मी थी इसलिए पार्वती। पार्वती ने तपस्या की, भोलेनाथ को प्राप्त किया। जब कैलाश शिखर के पास मानसरोवर की तलहटी में जो भोलेनाथ का माता पार्वती के आसन लग गए, पुनः कथा शुरू ही तो पार्वती ने एक प्रश्न कर दिया। रामसो अवध निरपति सुत सोई की अजय अगुणे अलख गति कोई। राम वही राजा का लड़का जो औरत खो गई रही, बह बह रो रहा था, पत्तियां से मृगों से पक्षियों से भ्रमरों से पूछ रहा था, वो खपतुलवास वो राजा का लड़का या और कोई अविनाशी अलख पुरुष राम कौन। भोलेनाथ भड़क गए, इतना अनर्गल प्रश्न तुमने किया कैसे। कहें सुनई असे अधम नर, गर्षे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। इतना अनर्गल प्रश्न तो अधम नर ही कर सकते हैं। धम माने धर्म, अधर्म माने नहीं, धर्म से अनविज्ञ वो लोग कर सकते हैं। जिसको मोह रूपी पिशाच ने गरस लिया वो कर सकते हैं। बातुल भूत विवस्मत वाले तेने ही बोले वचन बिचारे,
जिन्हें बातों का भूत सवार है वो भी विचार कर नहीं बोलते, बड़बड़ करते ही रहते हैं कुछ न कुछ। तुमने इतना अनर्गल प्रश्न कैसे कर दिया? भोलेनाथ ने बहुत डांटा। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं कहना। किंतु पार्वती के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तब भोलेनाथ ने सोचा, इतनी डांट फटकार का कोई असर ही नहीं इसके ऊपर, आखिर इसका ये प्रश्न है भी या नहीं। तब ध्यान धर के देखा, दो घड़ी के बाद ध्यान से चित को बाहर किया, बहुत प्रसन्न हुए कि राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। तुम्हारे अंदर न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, मेरे विचार से कुछ भी नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारा है ही नहीं, किंतु समाज का प्रश्न अवश्य है। तुमने जो प्रश्न किया है लोक हित के लिए किया है, तो सुनो। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप निगम यस गावा, जन्मा कब जिएगा कब तक। आदि और अंत तो आज तक कोई नहीं पाया, किंतु अपने विवेक के अनुसार वेदों ने इस प्रकार गायन किया है कि भगवान कैसे है। तो बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बगैर पांव के चल रहा है यहां पर, सर्वत्र बगैर कानों के सुन रहा है, सर्वत्र। बिनु पद चले ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, बगैर हाथों के सर्वत्र कार्य कर रहा है, बगैर मुंह के सारे रसों का भोगता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बाणी जबान है ही नहीं, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। बहुत बड़ा योगी है, प्रवक्ता है। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास यसेखा। बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर घ्राण के सूंघता सभी गंधों का ग्रहण करता है। अशब भ्रांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। लोक में जो घटित हो रहा है इससे परे अलौकिक करनी, और जिसका महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती और जेहि मिगा वही वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, शोध सत सुत भक्त हित कौशल पति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और प्रत्यक्ष दर्शी महापुरुष गायन करते हैं, वो है दशरथ का सुत, वो है भक्त का हितेशी, कौशल पति भगवान। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, निज धन है, एक बार मिल गया तो निश्चित कल्याण करके दम लेता है। उस कोष का, उस खजाने का वो मालिक है भगवान। जिसको इस प्रकार वेद गायन करते हैं, बगैर पैरों के चलता, बगैर शरीर के स्पर्श, बगैर आंखों के देखता, बुलाओ फोटोग्राफर खींचे फोटो, लोक में कुछ है ही नहीं, अलौकिक है तो कहां से खींच लोगे लौकिक कैमरे फोटो। जिसको इस प्रकार वेद और बुद्ध पांव गायन करते हैं, जाहि धरहि मुनि ध्यान, मुनि लोग उसका ध्यान धरते, ऐसे भगवान का ध्यान धरते हैं। देखा है ही नहीं, दिखाई पड़ता भी नहीं, ध्यान पता नहीं कैसे धर लेंगे। वास्तव में ध्यान की विधि रामायण में बार बार है। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। गुरु महाराज कहा करे, 5 साल का लड़का और स्वरूप में स्थित परमहंस एक ही होता है, शरीर की आकृति भर बड़ी है, माने स्थिति एक ही है। उस 5 साल के बच्चे में काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष किसी भी कल्पना कर सकते हैं आप, कुछ है? वह ऐसे ही है, शरीरिया भर बड़ी वह है। सनकादि देखत बालक बहुकालीना, देखने में तो बालक थे, सृष्टि के आरंभ में जन्मे प्रथम पुरुष वही थे, सनत सनातन सनंदन और कुमार, माने स्थिति यही है महापुरुष के। इस स्थिति बाल अवस्था जिन्हें प्राप्त कर ली हो, चित्त वृत्ति का निरोध और विलय हो गया हो, 5 साल का बच्चा और इस स्वरूप में स्थित महापुरुष की एक ही मन स्थिति
आ गई हो, ये होते हैं सद्गुरु। इनके स्वरूप का ध्यान धरो। रामचरितमानस में आरंभ में दिया है कि रामायण जो लिख दिया लंबा चौड़ा, ये हमारी समझ में कब आएगी, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नाखून की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। इसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। दलन मोहतम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य और या वही जासू। वो प्रकाश मोह से उत्पन्न अंधकार को समाप्त कर देता है। वो लोग भाग्यशाली हैं इस दुनिया में जिनके हृदय में गुरु के चरण आ गए हो। किसी ने मेहनत किया, रगड़ किया और सदगुरु के चरण हृदय में ले लिए, ध्यान में उतार लिया, तो उससे लाभ क्या। तो गर ही बिमल बिलोचन के, मिटे ही दोष दुख भवर जनी के। चरण हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। आवागमन जन्म मृत्यु का दोष और दुख मिट जाएगा और रामचरित्र मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी कि आखिर इसमें लिखा क्या है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, हर बात लिखने में नहीं आती। तुलसीदास जी ने सब कुछ लिखने के बाद अंत में निर्णय दिया, मैंने उतना ही लिखा है जैसे बल विवेक से माछी उड़ी आकाश। पूरे बल पुरुषार्थ लगा के मक्खी जितनी आकाश की पैमाइश कर पाती है उतनी ही हमने किया है। प्रभु का गुण अथाह है, हमने केवल उतना ही संग्रह, मैं उतना ही कर पाया हूं जितना कोई मक्खी आकाश का माप करने जाए और जितना उड़ के गिर पड़े बस उतना ही। इसीलिए गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया, अथवा जो जही खानिक, उस पार ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा वो भी विदित हो जाएगा सदगुरु के चरण हृदय में आ जाए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमा सिरतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदिते। मैं बोधमय नित्य, अनित्य माने नश्वर, नित्य माने शाश्वत, बोध स्वरूप सदगुरु की वंदना करता हूं। उनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा है। ईश्वरी आलोक जब फूटा है तिसी मन के अंतराल से, इसी में वो प्रकट हुआ है, प्रसारित हुआ है। नहीं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा मन बड़ा टेढ़ा है, राग में द्वेष में पता नहीं कहां कहां भटक रहा है, काम में क्रोध में राग में द्वेष में तमाम चक्कर काट रहा, बहुत टेढ़ा। ये विकृत आकंठ वासनाओं में डूबा हुआ मन, ये भी सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला हो जाता है। इसलिए जहां तक ध्यान होता है तो सदगुरु एक साचा है। सदगुरु के अंदर यदि गुरुत्व, गुरु भी वो जो बाल रूप में हो, ये नहीं कि तुम गुरु हम चेला, हम गुरु तुम चेला और दो नरक में ठेलम ठेला। गुरु एक क्वालिटी, गुरु एक स्थिति, वो विरला प्राप्त होता है गुरु स्त्र को। आजकल तो 10,000 गुरु रोजे पैदा होते। पंडित के घर में जन्म जाओ तो का गुरु, पंडा के घर में जन्म जाओ तो का गुरु। इसलिए ध्यान सदगुरु का। कबीर गुरुमुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरु चरणन की ओर। कोई अपने में देखा, क्या देखा, साईं संत अतीत, कोई अपने में देखा। किसी ने अपने हृदय में देखा साईं माने मालिक, संत जिसके संशयों का अंत हो चुका हो, अतीत माने सत्रस्तम त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत हो गया हो, ऐसे महापुरुष को किसी ने अपने हृदय में देखा। अभ्यास करते करते हृदय में देख ले गया 2 मिनट, उसके साथ ही जो साधन संयम करते थे तुम, वो जिम्मेवारी खत्म। साधन करे न
जोग कमावे जटा धरे ना शीश। फिर जो साधना कर रहे थे सने सने, यो सने सने योगाभ्यास के द्वारा देवी संपत अर्जित कर रहे थे, जोग कमावे योग की कमाई कर रहे थे, वेशभूषा तौर तरीके से सावधान थे, जटा रखते थे बेस था, किंतु सदगुरु का रूप अतीत है। वो सदगुरु स्वरूप हृदय में आते ही फिर साधन न करे, जोग की सावधानी न बढ़ते, वेशभूषा की भी कोई खास जरूरत नहीं रह गई। संयम करे नहीं व्रत साधे, संयम भी न करे, भूतान साधना का संयम और व्रत, इतनी बजे उठो, इतनी बजे बैठो, इतनी बजे नहाओ, इतनी बजे चिंतन करो, ये टाइम टेबल भी मत, इसकी भी जिम्मेवारी खत्म। नामन इंद्री जीत कोई अपने में देखा, न मन जीतो न इंद्री जीतो, साधन करो न जोग कमाओ, जटा धरे ना सी, संयम करे नहीं व्रत साधे, ना मन इंद्री जीत कोई यदि अपने में देख ले गया साई को, संत को जो त्रिगुणातीत थे, ऐसे महापुरुष के सरल चरण स्वरूप को देख ले गया, तो ये फिर ये जिम्मेवारी खत्म। कारण कि वो मार्गदर्शन करने लगते हैं, आगे आगे राह देते हैं, पाछे राखे नीत। कारण कि अब तक तो हम अपने विवेक और बुद्धि से भजन कर रहे थे, अब वो आगे आगे रास्ता बताएंगे, इधर चल, अब साधना ठीक है, अब क्रम सही है, अब श्वास तुम्हारी स्थिर है, अब ये विघ्न आने वाला है, इस विघ्न को काटने की तरीका क्या है, वो पढ़ाने लगते हैं, और उनके आदेश का पालन ही भजन है। अब तक भजन बौद्धिक स्तर पर था, अब सदगुरु की प्रेरणा के आधार पर हो गया। आगे आगे राह देते हैं, पाछे राखे नीत। सदगुरु उतना ही बताएंगे, तो साधक का जो स्तर है, यदि आठवीं छठी भूमिका का है तो उसके 10 फीट आगे पीछे का हाल बताएंगे, और सब गोपनीय रहता है। वो नीति साधना बताते जाएंगे, खतरों से अवगत कराते जाएंगे, और जो आगे जो कुछ होनी घटने वाली है उसको गोपनीय रखेंगे। आगे आगे राह देते हैं, वो प्रेरणा कैसे देते हैं कि आगे आगे राह देते हैं, पाछे राखे नीत। आगे जो होनी आएगी उनसे कैसे कट के, उनको काट के कैसे आगे बढ़ना है, ये नीति अपने पास रखते हैं, वो नहीं खोलेंगे। साधक घबरा के पूछ बैठता, प्रभु अब कितनी देर है, तो ना हां कहे ना ही ना बोले, हे दोन के बीच को अपने में देखा। जब पूछोगे तो हां नहीं करेंगे, इनकार भी नहीं करेंगे, दोनों के बीच में ले चलेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध से पूछा उनके एक शिष्य ने, बनते अब कितनी देर है, बोले किस बात की, बोले आपकी तरह मैं भी तथागत हो जाऊं, अरिहंत हो जाऊं। बोले अरे अरे, अभी पूछा तो छम्मे है, क्योंकि अनभिज्ञ हो, अनजान हो तुम, भविष्य में मत पूछना, तुम केवल कर्म करो, भविष्य मत पूछना, अन्यथा 3 दिन में प्राप्ति होनी है तो 3 जन्म लग जाएगा। तुम साधन ही कब कर रहे थे, तुम तो गणित लगा रहे थे बैठे बैठे मन में, जिस मन से साधना करना वो तो गणित लगा रहा है, 3 दिन में उपलब्धि होनी है तो 3 जन्म लग जाएंगे बेटा, तुम केवल कर्म करो, प्रवृत्त रहो बस। तो कभी कभी साधक पूछते हैं तो भगवान हां भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं, और घबराएगा तो इनकार भी नहीं करें, बोले धीरज धर, पीठ ठोक देंगे। तो ना हां कहे पूछने पर, ना ही ना बोले, है दो उनके बीच कोई अपने में देखा, अपने हृदय देश में देखा, साई संत अतीत, ऐसे सदगुरु के स्वरूप को जब देखा तो रास्ता बताने लगते हैं। अब तक हम संयम साधना कर रहे थे, इंद्रिय संयम कर रहे थे, आंख बुरी तरफ न जाए, ये हमारी जिम्मेवारी थी, आज से अब उन सदगुरु प्रेरक की जिम्मेवारी होगी,
उनके वरदहस्त के नीचे हम पहुंच गए। ये अवस्था तब तक रहेगी कि आगे राह बताए पीछे कुछ छिपा के रखें, पूछने पर हाँ कहें ना कहें दोनों के बीच बीच में ले चले। ये अवस्था जागृत स्वप्न तक की है। जागृत स्वप्न संग मा डोले है सुषुप्ति से मित। जागृत माने ये हम जागे हैं ये नहीं, जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए जब संपूर्ण विषय विलास से वैराग्य हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर सुई लगा के बेहोश कर दे। सब बेहोश पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट हैं। संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर उसके अनुसार जब संयम साधना में प्रवृत्त हुआ तो जाग जाता है। तो जागने के पश्चात भगवान ये सदगुरु साथ में रहेंगे। तुम सो जाओगे तो भगवान नहीं सोते, तब भी वो साथ में रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। शरीर सो गया, आत्मा कभी नहीं सोती, मन कभी नहीं सोता, भगवान वहां भी साथ रहेंगे। भगवान जब बताना शुरू करते हैं तो सपन जगत को भी अपना लेते हैं। उस बैठे में बताएंगे, सोए में बताएंगे, भजन में बताएंगे, सपन में बताएंगे। एक पल भी प्रभु नहीं सोते, वो हर्ष हर्ष स्वपन संसार को भी अपने अपना ये हाथ में ले लेते हैं, यंत्र बना लेते हैं। ऐसा योगी ऐसा भक्त कभी स्वपन नहीं देखता, जो कुछ देखता है भविष्य देखता है, वो नहीं देखता है। और भगवान साथ साथ चलते रहते हैं, डोले माने चले। तो जागृत स्वपन संग में डोले, जागृत थे जागरूक हो, चिंतन में सचेत अवस्था में लगे हो, प्रभु बताएंगे अब सांस ठीक अब गलत, अब चिंतन बढ़िया बढ़े रहो, भावी मंगल में है, चिंता मत करो, तुम मुझे प्राप्त होगे। स्वपन में भी सब कुछ बता देंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे। जागृत स्वपन संग में डोले चलेंगे, किंतु जहां सुषुप्ति अवस्था आई तो है सुषुप्ति से मित, कोई अपने में देखा। सुषुप्त, सुप्त कहते हैं सोने को, नींद आ गई सो गया सुप्त, लेकिन ये शरीर की निद्रा है। सुषुप्त शरीर जागता रहे और मन सो जाए, ये भजन की एक अवस्था है। शरीर जागता रहे, आंखें खुली रहे, मन में भले बुरे उद्वेग शांत हो जाए, मन वृत्ति शांत प्रवाहित हो जाए, ओम ओम ध्वनि प्रवाहित हो जाए, इंत्र इसके अंतराल में शरीर जागता रहे और मन सो जाए, इसका नाम है सुषुप्त, शुभ में शयन करना। इस अवस्था में भी भगवान एक मिनट के लिए बेहोश करके कुछ बता देंगे। वो ध्रुव काट्य है, इसका नाम है सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। तो जागृत स्वप्न में तो भगवान साथ साथ लगे रहेंगे, सदगुरु का स्वरूप लगा रहेगा, सुषुप्ति से वो मित्र हो जाते हैं, अर्जुन की तरह सखा हो जाते हैं, फिर गोपनीय कुछ नहीं रखते, जो कुछ है खुला है। फिर बाद में भविष्य पूछोगे सब कुछ स्पष्ट कहने लगेंगे। तो है सुषुप्ति से मित्र तो वो होता है जिसमें भेद न रहे। फिर भगवान कुछ भी छिपा के आपसे नहीं रखेंगे, जो उनमें है आपके पास समक्ष होगा। तो है सुषुप्ति से मित, वो मित्र हो जाते। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरीशम रज करी जाना। पहाड़ के समान दुख रज कण के समान, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र का रज के बराबर जो दुख है तो सुमेरु की तरह महसूस हो। जिनके यह मति सहजन आई, तेसठ कतहट करत मिताई। ये बुद्धि सहज नहीं आई तो वो सठ वो धूर्त हट करके पता नहीं क्यों मित्रता करते। तो सुषुप्ति अवस्था से भगवान मित्र हो जाते हैं। हाथ पकड़ के दो लड़के चलते रहते हैं ना रोड में, इना मीना डीका गाते हुए,
तो जागृत सपन संग मां डोले, तब तक तो गोपनीयता बची रही। जहां सुसुप्ति अवस्था आ गई, चिंतन की इस अवस्था से वो मित्र हो जाते हैं। अंत में निर्णय देते हैं कि पुरुषोत्तम दास अबे लगी बीत गई सो बीत। अब तक जो उम्र बीत गई वो बीत ही गई, वो तुम्हारे वश में नहीं, वो लौट के आएगा भी नहीं समय। भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में है, भविष्य पर वर्तमान पर दृष्टि डालो। वो सहज प्रकाश रूप, सहज प्रकाश खुद ही प्रकाश रूप ऐसा नहीं है, सबके अंदर वो प्रकाशित हो जाता है, सबके अंदर जागृत हो जाएगा। सहज प्रकाश प्रकाशक सबका, सबका वो प्रकाशक है, सब में प्रकाशित होने वाला है वो, तो हम में प्रकाशित कैसे हो। तो कर सो हम से प्रीत कोई अपने में देखा। सोहम श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम सोहम। ओ माने अविनाशी परमात्मा, हम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। सबके उरी अंदर बसत जानत भाव को भाव, जानते हो अर्जुन ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानी अंतरारूढ़ानी माया। अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, हृदय के अंदर इतना समीप, तब लोग देखते क्यों नहीं। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रम बस भटकती रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए, तमेव शरणम गच्छ, उस हृदय से ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। मान लो सारी मान्यताएं तोड़ी, डीह माई चौरा माई की पूजा छोड़ी और शरण चले गए हृदय से ईश्वर की, तो लाभ क्या। तत्प्रसादात परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्सि शाश्वतम, उस धाम को पा जाओगे, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है, तुम्हारा निवास रहेगा और तुम्हारा जीवन। इसलिए सहज प्रकाश प्रकाशक सबका, सहज प्रकाश रूपे ज्योतिर्मय है, और खुद ही ज्योतिर्मय है ऐसी बात नहीं, सबके हृदय में वो प्रकाशित है, वो प्रकाश प्रसारित करने वाला है। तो उनका प्रकाश हम कैसे प्राप्त करें। तो कर सो हमसे प्रीत, सोहम ओहम दोनों नाम एक ही है। आज की तारीख में सोहम शब्द बदनाम हो चुका है, सोहम शब्द पर संप्रदाय चलने लगी। आज घर छोड़ा, दो तीन महीने थ्योरी न रट लो तब तक साधक हो तुम, जीव हो तुम, अधूरे हो। और थ्योरी रट लिया तो कहा करो सोहम, एक बाबा को बता दिया तो सोहम। एक लड़का मिला तो हम बोले क्या भजन करते हो, बोले गुरुजी ने कहा सोहम। बोले तुम्हारा काम चल गया उससे, तो बोले पहले तो बड़ा मन लगता था महाराज जब घर छोड़ा, अब कहते तू भजन ही मत करो, तू वही है परम तत्व परमात्मा पार ब्रह्म। तो हम बोले फिर महाराज और विकलता बढ़ गई है, दिन काटा नहीं कट रहा है। एक दिन 4 बजे नहा धो के गंगा रामायण खोल के पढ़ने लगा तो गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी ने कहा को आए रामायण पढ़ते थे, बोले फलाना दास बुलाया करे मोरे उपदेश ते तोर अज्ञान नहीं नष्ट, बात तही है वो पार ब्रह्म परमात्मा, फेंक दे रामायण पानी में सोहम, जटा फकीर चरित्र गृहस्थ हो और कहीं कुछ नहीं। इसलिए एक भ्रांति पैदा हो गई, ओम ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, सो माने वे परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। ये योगिक शब्द कोश सोहम से भी पुराना है। ओम गीता कहती है कि अर्जुन ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर, अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि तजन देहम, देहाध्यास का जब त्याग हो जाएगा, अभ्यास इतना इस ऊंचाई पे जिस पल आया ततो याति प्राम गति, तत्सन तुम परम गति प्राप्त कर लोगे। तो ये कहते हैं उस सहज प्रकाश स्वरूप है, सब में वो प्रकाश प्रसारित करने वाला है,
तो उन उसको प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कर शोहम से प्रीत, ओम का जाप करो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम याद आया करे, सुबह शाम आधा घंटा बैठ के अवश्य समय दिया करो, खुरपी चलाते, लड़का खिलाते, दुकान करते, हर परिस्थिति में स्मरण बना रहे, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय दो, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके दो। यदि परमात्मा परम धाम है, सदगुरु ही भजन की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ और प्रवेश द्वार है। यदि तुम यम नियम गीता के अनुसार करते रहोगे तो भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे। वो बैठे बेटा गुरु महाराज, संत विशुद्धि मिले ही परी ते ही, राम कृपा करी चित वहां जेई, विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं। प्रभु जब करुणा करके एक निगाह देख ले, वो तब देखेंगे जब तुम प्रेम करोगे, नाम का जाप करो। एक या दो भाई थे, एक का ब्याह हो गया, दूसरे का नहीं हुआ था। छुटकुआ भईवा एकदम लंठ रा दंड बैठक कसरत और जोड़ी गदा और कुछ नहीं, मस्त। तो बड़का भाई बोला, जा हमारे ससुराल चला जा, अपनी भौजी की लिवाला। तो चल दिया जैसे था, गोरू छोड़ा और चल दिया। बोले अरे नहा धोले, बाहर बनवा ले, साफ सुथरा हो जा, इज्जत का सवाल है। तो नाऊ किया चला गया, नाऊ रहा फ्रॉड, वो हैदराबाद बम्बई कलकत्ता दिल्ली घुमा हुआ, बहुत भाषाएं जानता था। बोले कहिए यादव जी, बंगला कट, खाड़ी कट, हीरो कट, इंग्लैंडियन कट, कौन कटिंग काट दूं? उसकी समझ में नहीं आया कि कौन कटिंग अच्छी है और कौन बुरी। सोच विचार के बोला सब है, मतलब थोड़ा थोड़ा सब लाए दे, कोई तो अच्छी हो ही हूं मैं। और नाऊ की समझ में आया कि घोट दे, सब है, पानी लगा के घोट दिया। घर आया तो दाढ़ी भी साफ, मूछ भी साफ, बरौनी साफ, चोटी भी साफ। बोले अरे ये काहे मुड़वा लिया? बोले अरे चुप रहते, ये मैं सब कटिंग मिली है। सोचा यार ये बहुत बोला बाला है, कुछ समझा दूं, ले ससुराल का मामला बेइज्जती न करावे। बोले देख बहुत सर पर बकवाज मत करना, वहां पर ससुराल का मामला है तो तुम ऐसा करना, हाँ उहूं छोड़ के बहु बात मत करना। बोले जो हाँ और उहूं छोड़ के तीसरी बात कहूं तो हमसे कहना, अब ऐसे क्या बताऊं। चला गया, सास ने घोटम घोट देखा तो घबरा गई। दो ही भाई थे, कोई दुर्घटना घट गई का? क्यों बाल तब घोटे जाते हैं जब कोई मर जाए। रसदाना लेके आई, खिलाने लगी और उदास होके बोली, बचवा मौज में रहो? बोले तुम्हारे भैया मौज में है? बोले बोले बीमार है का? बोले अबे नहीं निक भाई। बोले दवा दारू हो थे? बोले बोले तबो नहीं निक भाई। बोले बुढ़िया घबरा गई। बोले बेटा बहुत हाँ उहूं लगाए हो, कहीं मर तो नहीं गए? तो उस बार ओसरी रही हूं कि बोले थरिया पटक के लगी रोने, घर भर रोए रात भर, उसको किसी ने खाने तो को नहीं पूछ। वो पड़ा पड़ा सोचे, भैया के तरह ससुराल में बड़ा स्वागत होता है, सब लोग मधुर मधुर बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को देते हैं, इन लोगों ने हमसे बात तक नहीं किया और खाने तक को नहीं पूछा, और हम हाँ उन्हें छोड़ के विशेष बोले भी नहीं, गलती भी कुछ नहीं हुई। सुबह बोला देखो हम लेवाने आए, भौजी को भेज दो, नहीं तो हम जाएं अपने घर, हमें लगी है भूख। तो बोले बेटा इस मुसीबत में कैसे भेज दें, हमार सयान बिटिया राण हो गए, 10 दिन बाद लुक लिवा ले जाइयो। चला आया तो बोले अरे अकेले आया, नहीं भेजे का? बोले का भेजे, तो सास के अतरी मोर बिटिया राण हो गई। बोले ससुर मैं जिंदा ही हूं, राण कैसे हो गए? बोले तू जिंदा ही नहीं है, एक भौजी राण रही, एक वो रिश्तेदारी में राण रही, छत्तीसगढ़ में 10 दिन पहले एक राण होगी, तो अरे जीएस के ऊपर राण हो रुकत है का? बोले अरे अरे ये तो स्पीड पकड़ लिया। बोले देख दुर्भाग्य से जिसका पति मर जाता है उसको राण कहा जाता है। तो बोले यही बात पहले बताए होते, पहले तो पिंगल पड़ा उतरा कि हाँ हूं छोड़ के कुछ कह बे मत करना। सिखाई बुद्धि काम नहीं आती, सिखाई बुद्धि कभी काम नहीं आती। और कर सोहम से प्रीत, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके श्वास से
श्वासा से प्रीत करोगे, यदि नाम जपोगे तो भगवान सर्वत्र सुनते हैं, सर्वत्र देखते हैं, उनसे तो हम कुछ छिपा ही नहीं सकते। जो कुछ है उनके गोद के अंदर का सृष्टि चल रही है, इसलिए निश्चल भाव से उनका सुमरण करो। जब शुद्ध हृदय से लो लग जाएगी तो भगवान सदगुरु का स्वरूप है। नास्ति तत्त्वम गुरु परम, गुरु चमड़ी का नाम नहीं, अविनाशी तत्व वही परम गुरु है, जिसमें वो स्थित है वही गुरु का गुरुत्व है, वहीं से वो स्वरूप प्रेरणा करने लगता है, पढ़ाने लगता है, भजन पढ़ाने लगता है। सो वो ज्योति दर्शन और स्थिति दिला देता है। तो कही सुनाई मेरा गाया गाएगा सो तीन लोक भरमाएगा, और मेरा गाया गूंथेगा सो तीन लोक से सुलझेगा। इसलिए भजन करो भगवान का, और भगवान धाम है तो गुरु महाराज जागृति सदगुरु ही प्रभु के ध्यान की, प्रभु चरणों के ध्यान के स्थान पर गुरु सदगुरु के चरणों का विधान है। लेकिन गुरु वो है जो अतीत हो, तो कहीं सुनी बातों से कुछ नहीं, अभ्यास करोगे तो सब कुछ। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।